दर्शकों को दिखाते हैं कि कहीं कर्नाटक की ये हार बीजेपी के लिए शुभ तो नहीं है। दरअसल हम ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, 1999 कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है और केंद्र में आती है वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार। उसके बाद देखिए 2004 कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनती है और केंद्र में भी मनमोहन सिंह की सरकार बनती है कांग्रेस के नेतृत्व में। हालांकि पहले कांग्रेस के धर्म सिंह सीएम थे, फिर जेडीएस के कुमारस्वामी को सीएम बनाया गया, ये गठबंधन की सरकार थी। और 2008 में देखिए येदुरप्पा जो हैं वो बीजेपी के सरकार बनाते हैं कर्नाटक में, और केंद्र में 2009 में मनमोहन सिंह चुनकर आते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। फिर 2013 कांग्रेस की सरकार सिद्धरमैया बनाते हैं कर्नाटक में, और 2014 में देश नरेंद्र मोदी की आंधी देखता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है। 2018 कांग्रेस प्लस जेडीएस की सरकार, सिर्फ जेडीएस के कुमारस्वामी ही सीएम होंगे। 2019 में क्या फिर से मोदी आएंगे? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।